क्या आप जानते हो कि अगर किसी स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन -1 हो, +1 हो, <1 हो, मोर देन 1 हो, तो उस केस में नेचर ऑफ मिरर क्या होता है और नेचर ऑफ इमेज क्या होता है। लेकिन यहां पे मेरा सवाल यहां पे यह है कि कोई एक स्फेरिकल मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन -1 है, तो आपको बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा तो उस इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना होगा। शायद याद करिए, आप कई बचपन में पढ़े हुईगा कि अगर व्हाट वाइगर ने क्या करा, अगर आप पढ़े हुईगा शायद एम का वैल्यू अगर आपका +1 है, इसका मतलब क्या है, पूछ देता है सवाल में कभी कभी कि इफ द मैग्निफिकेशन इज +1 देन व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा हमेशा प्लस साइन जो देख रहे हो ना, यहां प्लस साइन का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद रखिएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इस न्यूमेरिकल वैल्यू जो 1 देख रहे हो, और इस 1 का मतलब होता है क्या कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप हमें जरा बताओ क्या कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है? आपको अवसर बेशक बनता है, वर्चुअल इरेक्ट बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटा बनता है। लेकिन यहां पे 1 है, 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब सेम साइज, तो सेम साइज तो कॉन्वेक्स बनेगा ही, तो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर नहीं होगा। अब बच गया 2 मिरर, एक प्लेन मिरर एक कॉन्केव मिरर। तो याद करिए, प्लेन कॉन्केव मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्केव मिरर में एक वैल्यू जो होता है एम का वैल्यू 1 होता है, जो सेम साइज द ऑब्जेक्ट बनता है। और ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखते हैं, आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, यानी कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो इमेज हमारा सेम साइज बनेगा, तो उस केस में एम का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन वहां पे कॉन्केव मिरर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज रखते हैं तो वहां पे इमेज का जो नेचर हमारा होता है वो रियल एलिवेटेड होता है। और जब रियल एलिवेटेड होगा बच्चा, तो याद करो बच्चों में पढ़े थे कि एम का वैल्यू वहां पे माइनस में आएगा, मतलब -1 होगा, यानी एम का वैल्यू अगर -1 है तो आप समझ लेना नेचर ऑफ मिरर जो होगा आपका कॉन्केव मिरर होगा, ठीक है। चलिए अब एम इक्वल +1 पर चर्चा कर लेते हैं। तो एम इक्वल +1 है, इसका मतलब होता है क्या, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, तो ये हमारा कौन होगा, प्लेन मिरर होगा। इसकी अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा, प्लेन मिरर होगा। लेकिन अभी हमने बोला कि अगर मान लो एम का वैल्यू -1 है तो इसका क्या मतलब, एम का वैल्यू -1 है इसका मतलब होता है हमारा वो मिरर का नेचर होगा क्या, कॉन्केव मिरर। और इमेज का नेचर क्या होगा, तो इमेज का नेचर आप कहोगे क्या, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज। और अगर हम बात करें एम का वैल्यू -1, तो -1 का मतलब होता है बच्चा याद रखना इमेज हमेशा छोटा बनता है, और छोटा किसमें बनता है, तो याद रखना वो मिरर हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब सवाल यहां पे हमारा कह रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन क्या था, -1 है, तो आपको इस बात से आइडिया लग गया कि सर वो मिरर हमारा कौन होगा, तो वो मिरर हमारा होगा कॉन्केव मिरर। अब आप समझिए कि 1 का मतलब क्या होता है, तो सेम साइज बनता है, और कॉन्केव में सेम साइज तो ऑब्जेक्ट इमेज कब बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, हमने कॉन्केव मिरर बना दिया और यहां पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मान लो ओए ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा, मिरर के सामने रखते इमेज तो बनेगा। तो आप जरा गौर फरमाइए, यहां से पहले रे जो है पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाने के बाद आपने बच्चों ने पढ़ा था मिरर को स्ट्राइक करता है, ये इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से आएगा, वो आएगा आपका फोकस से आएगा। दूसरा डे अगर हम आपसे बात करें तो दूसरा डे आप कहीं से भी फॉल करा सकते हो, दूसरा डे मतलब क्या, मान लो फोकस से फॉल कराया, तो फोकस से आप फॉल कराओगे तो याद करो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जब भी रे को फोकस से डालोगे मिरर पे, वो स्ट्राइक करने के बाद यानी रिफ्लेक्ट करने के बाद वो क्या होता है, पैरेलल आता है, तो पैरेलल आएगा तो इस तरीके से हमारा इमेज बनेगा कहां पे, सी पे बनेगा। यानी पता क्या चला हमारा यहां पे बच्चा, कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। सवाल में हमसे क्या बोला, -1, तो एम का वैल्यू यहां पे -1 बताएगा, कॉन्केव मिरर है। सवाल में हमसे बोला डिस्टेंस मालूम करो, कहां से कहा, इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो आप बताओ
इमेज यहां बना, ऑब्जेक्ट यहां है, तो इमेज से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आपका क्या होगा? आप खुद देखो ना, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे, इमेज भी यहीं पे, तो डिस्टेंस आपका क्या होगा? जीरो होगा, और यही हमारा आंसर होगा। एकदम प्यारा सा सवाल था, उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।